मुस्लिम आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद देश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लालू प्रसाद यादव और विपक्ष गठबंधन पर चौतरफा अटैक कर रही है, जिसका मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और मुस्लिमों के आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप भी लगाया है। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी, तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। और मुस्लिम आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लालू प्रसाद यादव और विपक्षी गठबंधन पर चौतरफा अटैक कर रही है, जिसका मोर्चा खुद पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से संभाला गया है। लेकिन लालू यादव भले ही मुस्लिम आरक्षण वाले बयान से पलट गए हों, लेकिन बीजेपी ने लालू यादव के इस बयान को लपक लिया है। लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर विपक्ष खामोश हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का लालू के बयान का जिक्र करते ही बीजेपी एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने कहा कि देख सच सामने आ गया, भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। अब जैसे ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने हमला किया, लालू यादव एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अपने बयान से यू टर्न ले लिया। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था, हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर है, आरक्षण को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी ने भी धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर काउंटर स्ट्राइक कर दी है।
इससे पहले पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण का जिक्र किया था और उस पर काफी विवाद हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आगे लाने की जरूरत है, हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. विपक्ष इस मुद्दे से अभी तक बचता रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक बयान और फिर उस पर लिए यू टर्न ने बाकी बचे चुनाव में आरक्षण वाली चिंगारी ला दी है। लालू यादव ने एक तरह से बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। दिल्ली में शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से कभी भी फैसला आ सकता है। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम तरह की दलीलें दी गईं। ईडी लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध कर रही है। बड़ी अपडेट, दिल्ली में शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम बेल पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी सुनवाई कर सकता है। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मार। टंकी मतलब वेक्टर्स। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, बीएसपी के उत्तराधिकारी की भी जिम्मेदारी छीनी। हरियाणा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने वापस लिया समर्थन, अल्पमत में आई नायब सैनी की सरकार, लेकिन सरकार पर संकट नहीं। हैदराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के परिवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात, नरसिम्हा राव के परिवार ने भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मार। टंकी मतलब वेक्टर्स। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए।